लगा देने की वजह से कई सारे हमारे बच्चियां मारे गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात धर्म के हो। जो परेशान है वो है दहेज को लेकर परेशान है, शादियों के खर्चात को लेकर परेशान है। उसके बाद लड़के वाले कहें कि हमें फला ये होना चाहिए, सोशल मीडिया का ये जमाना है, वीडियो बनाओ ऐसे लोगों का, सोशल मीडिया पे डाल दो, वायरल कर दो, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके बदनाम करो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन, इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9, एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाफी। आज मुस्लिम चौक पे हम लोग एक बेदारी के लिए एक प्रोग्राम रखे थे, जिसका एजेंडा बहुत क्लियर है, दहेज को हराम और निकाह को आसान किया जाए। आए दिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि कई सारे लड़कियां गलत कामों में, गलत चीज़ों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, होटलों में जा रही हैं, और साथ ही साथ कई सारे लड़कियां हैं जो लोगों के साथ भाग रहे हैं, कोई ऐसे लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप बना रहे हैं, उसमें भी हमारे मुस्लिम के लड़कियां भी उसमें भी फंस रहे हैं। ये जब चीज़ों को हम एक कड़ी से जोड़े तो ये मालूम हो रहा है कि गरीब तखबे के लोग जो परेशान है वो है दहेज को लेकर परेशान है, शादियों के खर्चात को लेकर परेशान है। आज बेदारी करने का मकसद यही था कि हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि गरीब मुस्तहिक लोगों से दहेज लेना छोड़ दो, ये इस्लाम में भी हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कानून में भी ये चीज़ इलीगल किया गया है। उतने पर भी आज हम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कास्ट के लोग इस दहेज को कल्चर बनाए, सो हम लोग ये कल्चर बन गया है, अगर तुम दिए तो तुम नेक, अगर तुम नहीं दिए तो वो तुम्हारी बच्ची पे जुल्म होगा। आए दिन हम देखे हैं कई सारे बच्चियों को मारा गया, कई सारे बच्चियां दहेज के मामले में फांसी डाल के सुसाइड कर लिए। तो हम ये चीज़ नहीं होना, क्योंकि किसी की बच्ची रहने, बच्ची हमारी भी बेटी है, आने वाले वक्त में हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, ये हम नहीं चाहते कि हमारे या इनके बच्चों के साथ ये हादसा हो। किसी या गरीब की बच्ची जब भाग के गई तो हम जाकर उनके माँ बाप को पूछे तो माँ बेवा माँ है, वो माँ बोली कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मैं दहेज दे सकती हूँ, ना मैं मेरी बच्ची की शादी कर सकती हूँ। तो मैं मेरी बच्ची को बोली कि तेरे को जो रास्ता अपनाना है अपना, क्योंकि मैं मेरी हैसियत नहीं करने की। बच्ची नादानी में गलत कदम उठा के गैर मजहबी लड़के के साथ भाग के चली गई, ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये लोग जिम्मेदार है तो जिम्मेदार हम लोग भी है, जिम्मेदार हम है, क्योंकि हम लोग मालूम रख कर हम लोग रोडों पर उतर कर लोगों में बेदारी न लाए। जिम्मेदार वो कारोबारी तिजारतदार लोग हैं जो कई बड़ा कारोबार है, बहुत पैसा है, मगर ये लोग गरीबों की मुस्तहिक की मदद नहीं करते, अपना पेट भर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं, अपने घर के शादियों को लैविश तरीके से कर रहे हैं। देखिए आखिरत में जब वक्त आएगा तो यकीनन दुनिया छोड़ो आखिरत में तो हम सबको इस चीज़ की पूछे कि जब गरीब मुस्तहिक थे तो हम उनकी मदद क्यों नहीं करें। बच्चे जब भाग के जा रहे तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों पर आती, बात कोई गरीब बच्चे की भी नहीं, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न फैमिली के बच्चियाँ भी गलत कदम उठा रहे हैं चीज़ों पर। इसलिए चाहिए कि माँ बाप नज़र रखे वो लोगों के ऊपर, वो घर के दो बहन भाइयों को भी, मर्दों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दहेज को रोका जाए, निकाह को आसान किया जाए। दहेज अगर रुकेगा तो निकाह आसान होगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचेंगी, बच्चे जो गलत कदम उठा रहे उससे हमारे बच्चियाँ बचेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है, क्योंकि एक ऐसा मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम गरीब कम्युनिटी को सपोर्ट करना रहता, बरसर पर सपोर्ट ना करते हुए ये लोग का काम जो अब तक हम देखे हुए हैं, ज़मीन जो कब्जा हुई वो केस लड़ना, ज़मीन को अपने कब्जे में लेना, फिर वही ज़मीन को किसी कमर्शियल एक बड़े बिजनेसमैन को लीज पे दे देना, वो पैसा लेना, जनरेट करना। आप मेरे को बताओ वक्फ बोर्ड क्या हेल्प करें, आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, आप वक्फ बोर्ड में रिक्रूटमेंट शुरू करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करें, क्या आप वक्फ बोर्ड से हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए गरीब बच्चों के लिए, क्या अपार्टमेंट बनाए, घर बनाए, आपके इतने ज़मीन है वक्फ बोर्ड के कि वो कमर्शियल जगह पे गरीब मुस्तहिक जो बिजनेसमैन है उनके लिए दुकान बना के दिए, कॉम्प्लेक्स बना के दिए। अगर आप गरीब मुस्तहिक के लिए कॉम्प्लेक्स बना के देते तो वहाँ बंडिया लगा के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं ठहरते थे वहाँ पर। जितने भी आज बंडिया वाले देखेंगे आपको पूरे मेजोरिटी आर मुस्लिम, ये है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो हम गुजारिश नहीं एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं हम वक्फ बोर्ड से, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन है, आप वही रेवेन्यू जनरेशन से हर साल मुस्लिम मास मैरिजेस लड़कियों का आप करना चाहिए आपको किसी भी हाल में। अगर आप लोग
50 हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 25 से 50 लड़कियों की फ्री मैरिज करेंगे तो ये बहुत बड़ी मदद मिलेंगी गरीब माँ बाप के लिए। और आपके बहुत सारे जगायत है, वो जगायत पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो बनाने के लिए जो दे रहे हैं, एक कम से कम ये फंक्शन हॉल्स तो बनाइए गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए। अगर आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक 10 फंक्शन हॉल आपकी जगह पे बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी मदद होंगी गरीब माँ बाप के लिए जो अपने बच्चियों के लिए पैसे जमा करते हैं शादियों के लिए। तो हम ये औकाफ़ से ये डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ खाजी कर्नाटक एसोसिएशन खाजी वालों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग पूरे मुस्तहिक आप लोग मुतहिद होकर अगर ये फैसला करेंगे कि जो घर वाले जो बच्चे के घर वाले अगर दहेज पूछते हैं वो बच्चे का हम निकाह नहीं करेंगे तो खुदा कसम कोई दहेज लेना ये नहीं करेगा, हर कोई दहेज छोड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत अहम रोल आता है खाजियाना का। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस पर गौर व फिक्र करिए क्योंकि आप लोग के नज़रअंदाजी की वजह से आज कई बच्चियाँ परेशान है, कई बच्चियाँ घर में बैठे हुए हैं, कई बच्चियाँ जो इल्लीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में चले गए, कई बच्चियाँ हमारे प्रोस्टिट्यूशन में चले जा रहे, कई बच्चियाँ हमारे घर से भाग जा रहे, हर किसी के साथ गैर कौम के साथ रहने के भाग जा रहे बच्चियाँ। इसलिए खाजियाना को ये बार उठना बहुत ज़रूरी है और हमारे ये लोगों के हक़ में एक फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक प्लेसेस इज मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए ये पब्लिक प्लेसेस बने हुए हैं, बुजुर्गों के लिए छोटे बच्चों के लिए। ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे माइनर और मेजर कपल्स जाकर वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, अशर्म आते हैं। इसलिए हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स आज पब्लिक प्लेस पर मौजूद नहीं रहते, हमारे बड़े पब्लिक प्लेस पर नहीं जा रहे, बच्चों को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो अश्लील हरकतें देखेंगे तो यही बच्चे आने वाले वक्त में मुस्तकबिल है, इनके ज़हनियत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी पब्लिक प्लेसेस है हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखे सो है दिए सो आपको, वो पब्लिक प्लेसेस पे डेली रूटीन रोनिंग होना चाहिए और ऐसे गंदगी अश्लील हरकत करने वालों को अरेस्ट किया जाए और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन साफ किया जाए जिससे हमारे जैसे हमारे फैमिली हमारे बुजुर्ग वहाँ पर जाकर अपना वक्त बिता सके। तो आज का एजेंडा यही था कि दहेज लानत है और गरीबों और मुस्तहिक लोगों की मदद करना है, हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन करना है, हमारी माँ बहनों की प्रोटेक्शन करना है, इसीलिए हम लोग ये तहरीक स्टार्ट करे सर। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ कीजिए हमारे लिए और वो गरीब माँ बाप के लिए और एक मदद का एक जरिया बनिए सबके लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुस्लिम चौक पे मैं मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी सदर गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन सिराज शाब्दी और उनकी टीम और हमारी एसोसिएशन के उलमा इकराम ने एक मुहिम जो हमने शुरू की है, ये नौजवान बच्चों ने शुरू की है, आज उसको एक तेज़ी देने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। वो मुहिम ये है कि जहेज एक लानत है और इसके ख़िलाफ़ हमको उठ खड़े हो जाना है और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाना है। इस मामले में हमने जो हमारे ऑफिशियल इदारे हैं जैसे दफ्तर क़ज़ात है, वक्फ बोर्ड है और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है, इनसे हमने यहाँ पर डिमांड की है कि वो इसके लिए पहले अपने इदारों से सबसे पहले आगे बढ़कर ये मुहिम को हमारे आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर दफ्तर क़ज़ात इस मामले में जहेज के मामले में ऑफिशियली होके और वो ख़ुद बेदारी लाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक हम जहेज की लानत को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह वक्फ इदारा है, वक्फ इदारा सिर्फ जैसे कि बार बार यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ज़मीनात के पीछे ही लगे हुए हैं और ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ की बात किए जा रहे हैं जबकि उससे बड़ा हसास मसला हमारे सामने हमारी बच्चियों का है। अगर इज़्ज़त है तो दौलत है, अगर घरों की इज़्ज़त ही चले जाएगी तो दौलत लेकर और ये पूरी तरक्की लेकर हमें कोई मामला फ़ायदा नहीं है। तो हमारे घरों की इज़्ज़त हमारी बच्चियों से है, इसलिए इन बच्चियों के प्रोटेक्शन के लिए और इनकी हिफाजत के लिए जो बेहतर से बेहतर इकदाम वो कर सकते हैं इस मामले में करें। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमने यहाँ पर बिलखसूस गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में ऑफिशियल इदारों से अपनी जानिब से भी वो अपने दबाव डालें कि वो इस तरफ ज़रा तवज्जो दें और हमारा जो आज का मोमेंट था और जो नौजवान बच्चे यहाँ पर आए थे ये हमारे जो जज्बात थे उन जज्बातों को इन ऑफिशियल इदारों तक पहुँचाने की वो कोशिश करें। तो मैं फिर से एक मरतबा पूरी सोशल मीडिया का और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा बखूबी साथ दिया और इसकी वजह से आज ये हमारा जो मोमेंट था ये बड़ा ही कामयाब से कामयाब तर रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको नजर बस से बचाए और इसको कामयाबी की तरफ रवा दवा फरमाए, आमीन। खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा गया तो इस्लाम का जो तसव्वुर है निकाह का बिल्कुल सादा है। जो कंसेप्ट था इस्लाम ने निकाह का कि दो ये दूल्हा दुल्हन है, दो गवाह है, वकील है, उनके सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, गार्डियंस हैं, खुदवे निकाह हुआ, इजाब कबूल हुआ और निकाह के ऐलान के तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करना, यही इस्लाम का
निकाह का कंसेप्ट है, यही तस्वुर है, इससे जायज की लानत को रोकना है। हिंदुस्तान की एक अजीम दीनी दरसगाह है अलजामतुल अशरफिया, उसी से फतवा पूछा गया था मुफ्ती साहब से दारुलफ्ता में कि जहेज मांग कर लेना कैसा है, मांग कर जहेज लेना, डिमांड करना कैसा है। तो जवाब दिया गया कि तो वो एक रिश्वत की तरह है, एक रिश्वत की तरह है, और इस्लाम में रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, दोनों नाजायज है। तो डायरेक्ट ये बात कि जहेज लेना इस्लाम में हराम है, अगर मांग कर जहेज लिया जा रहा है तो ये हराम है, तो इस लानत को भी रोकना है, जहेज को रोकना है।